दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीट कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। जी देखो आज की क्लास आज करेंगे जी आइडेंटिटी थर्ड, ठीक है, आइडेंटिटी नंबर थ्री। कौन सी थी आइडेंटिटी नंबर थ्री? कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर वन, ठीक है। क्वेश्चन देखो इस पे, इफ कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर है 9 के, तो आपसे पूछा गया है साइन थीटा बताओ, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर 9 के, तो साइन थीटा बताओ। देखो जी कैसे करोगे इसको, ये दिया हुआ है आइडेंटिटी, आप जानते हो क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा बराबर 1 के। क्या करूँ इसको, ऐड कर दूँ, ऐड करूँगा तो कोट स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 2 कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 8, यहाँ से आएगा जी कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा बराबर 4, तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2, हाँ जी सॉरी यहाँ 10 आएगा भाई, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर रूट 5, ठीक है। हो जाती है कभी कभी गलतियाँ, थक जाते हैं हम लोग भी, तो कोसिकेंट थीटा आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 5। अगर ये प्लस माइनस अंडर रूट 5 है तो साइन थीटा क्या होगा जी, साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, 1 बाय कोसिकेंट को बोल सकता हूँ साइन थीटा, या साइन थीटा होता है 1 बाय कोसिकेंट, तो क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 5 प्लस माइनस का 1 बाय रूट 5। चलो भाई देखो अगला सवाल, अगले में दिया हुआ है इफ कोसिकेंट 4 अल्फा बराबर है आपका 17 प्लस कोट 4 अल्फा, तो आपसे पूछा हुआ है क्या साइन अल्फा क्या होगा, ठीक है जी, आपसे पूछा गया साइन अल्फा क्या होगा, क्या कर दोगे? क्या चीज, ठीक है, देखो कैसे करोगे इसको, ऐसे लिख सकते हो जी कोसिकेंट 4 अल्फा माइनस कोट 4 अल्फा बराबर 17 के, ठीक है जी। इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा प्लस कोट स्क्वेयर अल्फा इनटू में कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा माइनस कोट स्क्वेयर अल्फा बराबर 17, ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गई, ये क्या बन गया आपका 1 बन गया, तो यहाँ से क्या बचा सिर्फ कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा प्लस कोट स्क्वेयर अल्फा बराबर 17, ठीक है जी, यहाँ से यही बचा। अब आप जानते हो आइडेंटिटी क्या होती है, कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा माइनस कोट स्क्वेयर अल्फा बराबर 1, तो यहाँ क्या करोगे जी इसको फिर से ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा कोट स्क्वेयर अल्फा, मिलेगा 2 कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा बराबर 18, तो कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा बराबर 9, तो कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, ठीक है जी। अगर कोसिकेंट अल्फा प्लस माइनस 3 है तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा जी 1/3, ठीक है, प्लस माइनस का 1/3, क्योंकि साइन अल्फा इसका रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट देखो जी, इफ कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए बराबर है आपके 11/2 के, ठीक है जी, तो आपसे पूछा हुआ है फाइंड टेन ए कि टेंजेंट ए क्या होगा, ठीक है, देन टेंजेंट ए आपका क्या होगा, आपको टेंजेंट ए निकालना है। देखो पहले भी मैं ये चीज़ें करा चुका हूँ, आपको याद है क्या कराया था। देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कोसिकेंट
थीटा प्लस कॉट थीटा एक्स है, तो कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा भाई, 1/x, याद आ रहा है? पहले भी ये चीज़ें कराई हैं, ठीक है, सीकेंट साइन वाले में भी कराए थे, सीकेंट वाले में भी कराई थी, दोनों आइडेंटिटी में, तो यहाँ भी ये लग जाएगी। तो देखो अगर ये दिया हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ कि कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए किसके बराबर होगा, 2/11 के। अब क्या करो जी, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि हमें टेंजेंट ए चाहिए, कोसिकेंट से तो साइन मिलेगा, हमने अभी किए हैं सवाल, ठीक है, तो कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको माइनस करूँगा, तो ये साइन बदल जाएंगे, तो देखो कोसिकेंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा 2 times cot A इक्वल्स टू 11/2 माइनस 2/11, ये बन जाएगा 121 माइनस 4/22 ट्वाइस ऑफ कोट ए, हाँ जी ये सब्ट्रैक्ट किया है, ये बन जाएगा 2 cot A 117/22, तो यहाँ से लिख सकता हूँ कॉट ए आ जाएगा 117/44। अगर कॉट ए आपका 117/44 है तो टेंजेंट ए क्या होगा भाई, इसका उल्टा होता है, यानी 44/117, तो टेंजेंट ए आपका आ जाएगा 44/117। देखो जी नेक्स्ट दिया हुआ है, इफ़ 7 cosecant theta minus 3 cot theta बराबर है 7 के, तो आपसे पूछा गया है 3 cot theta plus minus 7 cosecant theta किसके बराबर होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया ये, याद है भाई प्रॉपर्टी बताई थी सीकेंट में भी, यहाँ भी वही एप्लीकेबल हो जाएगी, क्या ए कोसिकेंट थीटा माइनस बी कॉट थीटा अगर सी हो, तो ए कॉट थीटा माइनस बी कोसिकेंट थीटा अगर डी हो, तो बताया था क्या मिलेगा जी रिजल्ट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, वही लग जाएगी। तो क्या करो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको एक्स के बराबर मान लो, मान लो कि ये एक्स है, ठीक है, अगर ये एक्स है तो जानते हो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा जी, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है जी, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। देखो जी मेंस 2016 में आया था ये सवाल, था कहते फाइंड कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1/cot A - cosecant A + 1, ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए थे आपको, 1 - cos A / sin A, बी ऑप्शन है आपका sin A / 1 - cos A, सी ऑप्शन है आपका sin cos² A - 1 / sin² A, और डी ऑप्शन था आपका sin² A / cos² A - 1। ठीक है, देखो जी इसको कैसे करोगे, लास्ट क्लास में भी ऐसा कराया था, ठीक है, मैंने सेकंड वाले में आपको कराया था, बताया था कि इस वन को बदलेंगे, तो अब भी वही करोगे, क्या करोगे जी, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, इसको क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, नीचे क्या आएगा जी, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें से
माइनस वन कॉमन लोगे, ठीक है ना, इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगी, कोसिकेंट ए। डायरेक्ट कर दूं तो बाहर मेन कॉमन वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि पहले भी ऐसा सवाल करा चुका हूँ इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई। बाहर क्या लिख सकता हूँ मैं, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ये कॉमन ले लिया। अगर ये कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा जी, वन माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, ठीक है, यही बचेगा, क्योंकि ये माइनस का है ना, तो माइनस वाली टर्म बदल जाएगी और माइनस माइनस वाली प्लस हो जाएगी। इसको क्योंकि दो बार लिख सकोगे, क्या कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए, वो आइडेंटिटी लगा के कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लोगे तो यही बचेगा। इसलिए डिटेल में नहीं करा रहा, क्योंकि इस जैसा सवाल पहले भी पिछली क्लास में मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो ये चीज़ सेम है, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगी, कितना बचेगा सिर्फ कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए। कोसिकेंट ए होता है वन बाय साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, वन प्लस कॉस ए बाय साइन ए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था कि ये चीज़ ऑप्शन में नहीं थी, ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अंदर ये चीज़ नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो इसके बाद क्या करना था, वन माइनस कॉस स्क्वेयर, वन माइनस कॉस ए से इसको मल्टीप्लाई, ठीक है जी, वन माइनस कॉस ए से डिवाइड करते हैं, रैशनलाइज कर दो, ठीक है जी, रैशनलाइज कर दोगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, देखो जी यहाँ लिख के जाते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वेयर ए, ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, नीचे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू वन माइनस कॉस ए, वन माइनस कॉस स्क्वेयर ए को लिख सकते हो साइन स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए इंटू वन माइनस कॉस ए, एक साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा जी, साइन ए बाय वन माइनस कॉस ए, ठीक है, साइन ए बाय वन माइनस कॉस ए, तो बी ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इफ कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉट बी प्लस कोसिकेंट बी बराबर है कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए कॉट बी माइनस कोसिकेंट बी कॉट सी माइनस कोसिकेंट सी कॉट डी माइनस कोसिकेंट डी, ठीक है जी, और ये भी बराबर है किसके, के, यानी ये बराबर, ये चीज़ इसके बराबर, ये चीज़ के बराबर, इसका मतलब दोनों चीज़ें के बराबर हैं, तो फाइंड के, ठीक है जी, आपको क्या पता लगाना है, फाइंड के, आपको के बताना है क्या होगा। पहले भी कराया मैंने ऐसा सवाल, ठीक है, देखो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, दोनों टर्म्स को के इक्वल लेट कर लो, पहले वाले भी के इक्वल है तो यहाँ लिख लो जी, ये भी बराबर के और ये भी बराबर के, अब क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको मिलेगा कोट स्क्वायर ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, यहाँ से मिलेगा जी कोट स्क्वायर बी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर बी कोट स्क्वायर सी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर सी कोट स्क्वायर डी माइनस कोसिकेंट स्क्वायर डी, ये बराबर होगा किसके, के स्क्वायर के, ठीक है। अब देखना जी यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, ठीक है, इसीलिए इस बार हमने क्या डी तक ली थी वैल्यू, लास्ट टाइम तीन थे, अगर तीन लेता तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन नेगेटिव वैल्यू बन जाती, तो इसलिए आंसर नहीं आता, तो इसीलिए इस बार चार हैं, तो एक किसके बराबर हो जाएगा जी, चार बार माइनस आ गया यानी वन के बराबर हो जाएगा, वन बराबर के स्क्वायर है तो के की वैल्यू क्या आएगी जी, प्लस माइनस वन,